हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों आज आपको बात करते हैं कि यदि फोकलिप का ऑपरेटर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी। जैसे आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू में जाने से पहले हमको क्या क्या सोचना चाहिए या फिर जानना चाहिए, तो वो सारी बातें आपको बताऊँगा कि फोकलिप में ऑपरेटर बनने के पहले आपको क्या क्या जानकारी चाहिए और क्या क्या आपको तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन फटाफट मिलती रहे। दोस्तों देखिए, फोकलिप ऑपरेटर बनना एक बहुत आसान काम भी नहीं है और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है। देखिए, फोकलिप ऑपरेटर जनरली बहुत लोग बनना चाहते हैं। होता क्या, देखिए ऑपरेटर मतलब ड्राइवर जैसे बहुत सारी गाड़ी होती है, फोर व्हीलर का होता है जो आप जाते हैं, ट्रक का होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है। लेकिन उसमें से एक बेहतर जॉब जो है ना फोकलिफ्ट का है। जैसे ये क्या, आपको रोड पे नहीं घूमना पड़ेगा, रोड पे नहीं घूमना इन द सेंस क्या, रोड पे जो अनसेफ सिचुएशन है, अनसेफ व्यवस्था रहता है, फिर रोड पे यदि कहीं जाना तो लॉन्ग डिस्टेंस ही जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ 20-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500, 1000, 2000 किलोमीटर ऐसा कुछ जाना पड़ता है रोड पे यदि आप गाड़ी चला दी, जैसे फोर व्हीलर हुआ या फिर ट्रकर्स हुआ ये सब। लेकिन आप फोकलिफ्ट जो चीज़ ऐसी है कि आपको प्लांट किसी कंपनी के अंदर में चलाना है और उतने ही दूर में आपको आना जाना, तो मतलब आपको रोड का जो प्रॉब्लम जो है ना कि रोड पे घूमने का प्रॉब्लम और उससे परेशानी, तो वो नहीं होगा। प्लस आपको यहाँ पे एक तरह का एज ए एम्प्लॉय आप किसी कंपनी का बन सकते हैं कि आप फोकलिफ्ट ऑपरेटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आपको रोड पे नहीं घूमना, और एक ये प्रॉब्लम है कि आप रोड पे नहीं रहेंगे, किसी कंपनी के अंदर में कंप्लायंस के अंदर में रहेंगे तो आपको उसके रूल्स के अनुसार ही आपको रहना है। सपोज मैंने सेफ्टी सूट पहनना है, कंपनी का रूल जो भी है उसको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको फोकलिफ्ट ऑपरेट करने के पहले, सपोज मैंने किसी कंपनी में आप चाहते हैं कि फोकलिफ्ट ऑपरेटर हम बने, तो उसके पहले आपको पहला तो देखिए, कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं रखेगी कि ऐसा पूछे आपको फोकलिफ्ट ऑपरेटर करना आता तो बोले नहीं अभी तक नहीं आता, मैं फ्रेशर हूँ, यहाँ पे करते करते सीख लूँगा। तो ऐसा कोई आपको नहीं रखेगा, कहीं पे भी आपको फोकलिफ्ट ऑपरेटर जो फ्रेशर होते हैं उनको कोई कंपनी नहीं रखेगी। क्योंकि बाकी जैसे रिपेयरिंग का हुआ है, प्रोडक्शन में कुछ काम है तो उस चीज़ में रख सकते हैं, रिपेयरिंग वाले तो 4 रिपेयरिंग वाले और हैं तो उसके साथ रह के सीख लेगा, तो उस चीज़ है। लेकिन आपको जो ऑपरेटर बनना है, किसी कंपनी में फोकलिफ्ट ऑपरेट करने के लिए जाना है, तो उसके पहले आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसी दोस्त से जानकारी लेके या फिर किसी कांटेक्ट में तो उससे, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी चलाने का, तभी जाके आप फोकलिफ्ट ऑपरेटर बन सकते हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस क्या, फोकलिफ्ट को फोकलिफ्ट चलाना बहुत बड़ी काम नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। देखिए, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर है, ये बात मैं मानता हूँ और आपको भी मानना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि एकदम से फोकलिफ्ट चलाने के लिए आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 तरह की फोकलिफ्ट, 10 तरह की गाड़ियों में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप फोकलिफ्ट को आप 2 से 4 दिन या 10 दिन आपने चला लिया ना नॉर्मली, तो आप उसको ऑपरेट करना इजिली सीख जाएंगे और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं फोकलिफ्ट चलाने के लिए। लेकिन वो 2 से 4 दिन या 10 दिन जो सीखने के लिए जुगाड़ है वो आपको करना पड़ेगा किसी कॉन्टैक्ट से या किसी थर्ड पार्टी से, कोई पहचान वाला है किसी कंपनी में, बाहर में जाके छोटी कंपनी में जाके कि भाई मुझे ऑपरेट करना सीखो, ऐसा कुछ आपका कॉन्टैक्ट है तो उसके थ्रू जा सकते हैं, तो आप वहां से ऑपरेट करना सीख सकते हैं। ऑपरेट करने सीखने के बाद आप किसी उसी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं कि अब ऑपरेट करना है तो मेरे को यहाँ पे ज्वाइन करना है, या फिर किसी और कंपनी में भी जा सकते हैं। तो किसी और कंपनी में आप जाना चाहते हैं उस समय आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू इन द सेंस कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो देखिए, जनरली क्या होता है इंटरव्यू में, कुछ फोकलिफ्ट ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, तो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछेंगे। हो सकता है ये पूछ दें आपसे कि आप कितने तक पढ़े हो, तो हो सकता है आप 10वीं 8वीं 12वीं जो भी बोलो, XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपसे जनरली ये पूछेंगे आपको फोकलिफ्ट ऑपरेट करना आता है क्या, तो आपको बोलना है हाँ, क्योंकि आपको आपने ट्रेनिंग ऑलरेडी ली है। लेकिन ये नहीं बोलना मैंने 10 दिन ही फोकलिफ्ट चलाई, जनरली 10 दिन जैसे फोकलिफ्ट चलाई और ऐसा बोलेंगे आप 10-15 दिन पहले ही मैंने सीखी उतने दिन में मेरे को आता, तो वो हो जाएगा कि नहीं। देखिए, फोकलिफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि जरा सा मिस्टेक होगा तो किसी को मार भी देंगे आप, जान भी चलेगी। तो देखिए, बहुत हैवी मशीन है और कुछ सामान को उठा के यहाँ से वहाँ रखना होता है, तो थोड़ा मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये बोलना है कि हाँ मैंने चलाया है 1 साल, 2 साल, 6 महीना, ऐसा ही बताना है, उससे कम नहीं बताना है, मैंने 6 महीने चलाया या साल भर चलाया फोकलिफ्ट, कहाँ पे चलाया था तो बताना है, इस कंपनी में ऐसा ऐसा चलाता था। उसके बाद आपसे पूछेंगे चलो चलाया था फोकलिफ्ट को, सपोज मैंने डीजल फोकलिफ्ट का फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए क्या करना है,
तो वो आपने जैसे चलाया उसके हिसाब से, जैसे फॉरवर्ड चलाना है तो फॉरवर्ड गियर डालना है, मैनुअल ट्रांसमिशन है तो फॉरवर्ड गियर डालना है, क्लच छोड़ना है गाड़ी चलेगी, रिवर्स करने के लिए रिवर्स गियर डालना है क्लच छोड़ना है गाड़ी चलेगी, ऑटो ट्रांसमिशन है तो फॉरवर्ड गियर डालना है एक्सेलेटर दबाना गाड़ी चलेगी, रिवर्स गियर डाला और एक्सेलेटर दबाया गाड़ी चलेगी ऑटो ट्रांसमिशन में। इलेक्ट्रिक गाड़ी यदि आपने सीखी है तो उसमें भी वही फॉरवर्ड गियर दबाया और रिवर्स एक्सेलेटर फोर्स दबाया गाड़ी चलेगी, रिवर्स गियर दबाया एक्सेलेटर फोर्स दबाया गाड़ी चलेगी। लेकिन अब उसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है, आप जो भी फोकलिफ्ट के बारे में जानते हैं उनको थोड़ा भी नॉलेज होगा उनको पता होगा इसमें हाइड्रोलिक फंक्शन रहता है तो सामान को उठाने और रखने के लिए, तो आपको हाइड्रोलिक फंक्शन कैसे चलेगा, सपोज मैंने आपको बोला तो उसमें कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, उसमें स्पूल लगा रहता है, कंट्रोल वाल्व में स्पूल जो डंडे होते हैं दबाने के लिए उसको स्पूल बोला जाएगा, बोला कि जिस फंक्शन को ऑपरेट करना है, सपोज मैंने अप डाउन को ऑपरेट करना है तो हमको अप डाउन वाला स्पूल दबाना है, साइड शिफ्ट को ऑपरेट करना है तो हमको साइड शिफ्ट का स्पूल दबाना है, टिल्ट सिलेंडर को टिल्ट वाले फंक्शन को ऑपरेट करना है, जो टिल्ट मतलब क्या होता है मस्ट ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है, तो उस चीज को ऑपरेट करना है तो आपको टिल्ट वाला स्पूल को दबाना इस तरह से होता है, या फिर आपको सोलेनोइड कंट्रोल वाल्व वाला रहेगा तो उसमें जॉयस्टिक रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रहेगा, तो आपको उस हिसाब से आपको आंसर देना है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है ऐसा ऐसा चलाया। अब ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी फोर्कलिफ्टम चलाया था, आप ये बोल सकते गोदरेज बोल्टा जो भी आपने एक्स वाई जेड चलाया, फिर बोला फोर्कलिफ्टम अलग अलग मॉडल आते हैं फोर्कलिफ्ट को चलाया बोला हाँ, स्टेकर चलाया यदि आपको आता तो हाँ, बीओपीटी चलाया तो हाँ, मतलब इस तरह से चीजें बोलेगा, आरटी चलाया है कि रिस्ट्रक्ट तो भी आप सपोज मनी आप जानते हैं तो हाँ, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आरटी कैसे चलता है, आरटी का काम क्या है ऐसा बोल देगा, आरटी क्या करती है रिस्ट्रक्ट, तो रिस्ट्रक्ट का काम क्या है कि सपोज मैंने कि गाड़ी यहीं पे और मटेरियल कुछ अंदर में है ऐसे जगह पे जहाँ पे फोर्क नहीं पहुंच सकता, तो रिस्ट्रक्ट का काम क्या है कि फोर्क वहां तक उसको एक्सटेंड होता है, फोर्क कुछ रिस्ट्रक्ट में फोर्क एक्सटेंड होता है, कुछ रिस्ट्रक्ट में सीजर फंक्शन रहता है, मतलब अल्टीमेटली फोर्क वहां तक पहुंच सकता है, आपको गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती तो भी, तो उसको रिस्ट्रक्ट बोलते हैं, तो रिस्ट्रक्ट का काम क्या है जहां पे फोर्क नॉर्मली नहीं पहुंचता है वहां पे रिस्ट्रक्ट वहां पे फोर्क पहुंचा के वहां से मटेरियल हम लोग उठा सकते हैं, ऐसा है रिस्ट्रक्ट का काम। अब आपको हो सकता है बेंडी आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट के बारे में पूछा जाए कि आप उसको चलाए तो बोलेगा उसका काम क्या है, एग्जांपल के लिए पूछ ही सकता है, जनरली पूछते ही लोग उसका काम क्या आप जाना है चलाते तो बेंडी का काम क्या है कि मतलब सबसे कम स्पेस में वो क्या है ना घूम के मटेरियल उठा सकता है, मतलब सपोज माने सीधा चल रहा है बेंडी और उसको कम भी जगह है तो उसका फोर्क घूम जाता है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना बेंडी तो फोर्क ऐसे घूम के यहाँ से मटेरियल उठा के फिर सीधा करके आपको बाहर ले लेगा, तो मतलब जहां पे कम जगह भी है ना वहां से मटेरियल निकालना और गाड़ी घूमने का जगह नहीं है तो वहां से आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट मटेरियल निकाल के ला सकता है या फिर रख सकता है, ऐसा बताना। आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट का नाम ही दूसरा नाम देसी भाषा में बेंडी बोला जाता है, बेंडी रिस्ट्रक और आपको आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट का हो गया। देखिए ये मैं ऑपरेटर का इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये सारी में नॉर्मल बातें बता, एक और वीडियो मैंने बनाया आप उसको भी देख लेना क्योंकि पूरी क्लियरिटी चाहिए तो आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। अब ये भी हो सकता है फोर्कलिफ्ट का क्या काम, देखिए बेसिक क्वेश्चन में भूल गया था बताना, सबसे पहला क्वेश्चन फोर्कलिफ्ट का काम क्या होता है, फोर्कलिफ्ट का काम कुछ नहीं है, किसी भी मटेरियल को यहां से वहां उठा के लेके जाना फोर्कलिफ्ट का काम है, उठा के लेके जाना यहां से वहां लेके जाना काम नहीं है, वो धक्का मार के भी लेके जा सकते, किसी भी मटेरियल को उठा के यहां से वहां लेके जाना उसको बोलते हैं फोर्कलिफ्ट, वो काम है फोर्कलिफ्ट का, समझ के। ऐसे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं मतलब सपोज मैंने कि बैटरी फोर्कलिफ्ट है तो उसको चलाने से पहले आप क्या क्या चेक करोगे, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप वो बोल रहे हैं हाइड्रोलिक ऑयल चेक कर लेंगे, फोरबडी बस बराबर हो रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे, ब्रेक चेक कर लेंगे, बैटरी का पानी चेक कर लेंगे, ये सारे बेसिक चीजें आपको बतानी है। देखिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जनरली मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लोग जो देखते हैं ना 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट में वीडियो क्लोज कर देते हैं, तो क्या मेरा चैनल का वीडियो का रेटिंग कम होता है, इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, डीजल फोर्कलिफ्ट के बारे में पूछ रहा था, आपको पूछना है कि उसका इंजन ऑयल चेक कर लेंगे, ब्रेक ऑयल चेक कर लेंगे, ब्रेक लग रहा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, फॉरवर्ड बस गियर चेक कर लेंगे लगा के, या फिर हाइड्रोलिक फंक्शन चेक कर लेंगे, इस तरह की छोटी मोटी रेडिएटर का पानी चेक कर लेंगे यदि है उसमें बराबर या फिर नहीं, और बाकी सारे फिजिकल देख लेंगे चारों तरफ से कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, टायर वायर बराबर है क्या, मतलब इस तरह की फिजिकल चीजें बहुत सारी चीजें चेक कर लेंगे, तो उसके बाद चलाएंगे। अब ये ऐसा बोलेगा सपोज मानिए आपकी गाड़ी में रिवर्स हॉर्न नहीं बज रहा तो क्या आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेट करोगे, बोला सिंपल यहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर ये देना कि बिल्कुल नहीं, सेफ्टी के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे, जरा सा भी गाड़ी में कुछ सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम गाड़ी को खड़ी करेंगे, कंसर्न टीम को बताएंगे और उसके बाद सही करने के बाद उसको चलाएंगे, तो आप वहाँ पे गलती से भी मत बोल दिया कंपनी को, पता नहीं ये बोल देंगे तो कंपनी सोचेगी लूम किन हुई तो ऐसा है बोलता, पर ऐसा नहीं,
कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ही बोलना है कि नहीं, सेफ्टी वाला फंक्शन में हम लोग कहीं पे भी बिना सेफ्टी फंक्शन लगाए चला नहीं सकते। आपको ये भी पूछा जा सकता है, फोर्कलिफ्ट में एक मेन हॉर्न होता है जो आप चलते चलते बजाते हो, लेकिन एक और हॉर्न होता है उसका नाम क्या है, तो बोलना है रिवर्स हॉर्न। मे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह के देखिए छोटी मोटी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में अभी आएगी, आप भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतने में आपको इतना जो आप बताए ना इस हिसाब से आप चलोगे तो आप एक फोर्कलिफ्ट का अच्छा ऑपरेटर बन पाओगे और आप एक नौकरी ले पाओगे। जनरली फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, 15,000-16,000 तक, 20,000 तक भी कहीं कहीं मिलता है 12 घंटे की ड्यूटी है तो मतलब अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर सकते हो और आप एक तरह की नौकरी हो जाती है, नौकरी टाइप की आप कर सकते हो और बढ़िया चीज़ें। कहीं कहीं लोग साइड में भी, जैसे सपोज मैंने कहीं फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मुंद्रा पोर्ट की बात बोलता, तो वहाँ चला रहे हैं तो वहाँ पे जो कंटेनर आती है गाड़ियाँ, तो उसको अनलोडिंग करते हैं ना, तो हो सकता है कि वो गाड़ी वाला ना आपको कुछ पैसे दे, 100-150 रुपये एक गाड़ी को निकालने का। आप दिन भर में सपोज मैंने नौकरी तो आपकी बीच जो है वो तो है, सपोज मैंने 12,000 की जॉब है तो वो बराबर है, लेकिन डेली के आपने सपोज मैंने 5 गाड़ी को आपने अनलोड किया तो हो सकता है, या फिर लोड किया तो हो सकता है हर एक गाड़ी के हिसाब से आपको 50 रुपये वो गाड़ी वाला दे, तो आप डेली के 5 गाड़ी के हिसाब से 250 रुपये आप तो अलग से वो अर्न कर रहे हो। तो ये भी एक उसमें अर्निंग है फोर्कलिफ्ट में, मतलब फोर्कलिफ्ट में कमाई के साधन बहुत है, और यदि ऑपरेटर बनते हो तो ये एक फायदे का सौदा है, मैं ऐसा मानता हूँ। जरूरी नहीं ऑपरेटर बनना है, आप टेक्नीशियन बनते हो तो भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत दूर तक जा सकते हो। तो आपको एक ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या क्वेश्चन या फिर आपके दिमाग में पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिए, फिर भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को शेयर करिए। एक्चुअली क्या है इसमें ना, देख लो आप 3 साल हो गए चैनल के, लेकिन अभी तक 3 साल, हाँ लगभग 3 साल हो गए, अभी चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, मतलब जनरली वीडियो तो लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन रेट बहुत कम है, तो सब्सक्राइब करके जाइए ना, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। देखिए सब्सक्रिप्शन जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा मेरे व्यूज और ये आएंगे, मतलब अर्निंग होंगे, तो वो थोड़ा सा मेंटेन रखिए, मेरा भी कुछ गुजारिश है, मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा आप भी फुलफिल करो, हम आपके करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।